और हे लक्ष्मी भर भर के लाश उठेगी। भक्तो पैर पटकता हुआ रुकम निकल के आंगन से चला। इधर भैया और बबुला में जो बातें हो रही है रुकमणी एक एक बात को सुन रही थी। भक्तो बरामदा के खम से खोपड़ी टेक करके वो शिशकियां भर भर के रोने लगी। ध्यान रखना, आवाज लगाई रुक्मिणी। हाँ भैया, क्या तू रो रही है? जवाब दिया, कलेजे में चाकू मार दिया और पूछ रहा है कि रो रही है। भैया मैं तेरे साले की दुल्हन बन के चंदेली में कैसे जाऊंगी? भाभी की मैया के पैर कैसे छूंगी? भक्तो जिस भैया की आंख में सुअर का बाल होता है वो बहन की कीमत क्या जाने? क्या किया है उसने नहीं चाहिए। भैया के पैर पकड़ लिए। भैया कहने लगा कमीनी, तेरे हाथ में तलवार,
मेरी गर्दन काट के गेंद की तरह से उछाल दे, मेरे कलेजे में चाकू मार के मेरी आंतों का हलवा बना के अपने गले में लटका ले, मगर मुझे साले की दुल्हन न बना। रुकम कहने लगा, तेरी इतनी लंबी जबान, अगर तेरी जबान लंबी है तो जब भैया की दोनों बाहें लंबी, अगर दुल्हन बनेगी तो साले की, वरना जीवन भर पारी डूबेगी। मैं जा रहा हूं और निकल